व्हाट्स अप दोस्तों, स्वागत है आपका क्रू टू के एपिसोड में। आज हम क्या खेलेंगे ये मुझे नहीं पता, मैंने सोच नहीं रखा है। मैंने पिछले टाइम देखा था कि वो डेमोलिशन डर्बी था जहां तोड़फोड़ करते। लाइव इज लॉन्चिंग अ न्यू चैलेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच वन इज एन एक्साइटिंग एक्टिविटी यू कैन डू आउट। बाय बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैंने सोचा है कि डेमोलिशन डर्बी खेलूंगा, पर और रेसेस भी है क्या, देखते हैं, क्योंकि अब फेमस होने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और ज्यादा पैसे ही जमा नहीं होते यार इसमें कि मैं गाड़ियां खरीद सकूं। ये जितने भी गेम्स मैंने खेले हैं ना, उसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है, इतना रेसिस करके भी पैसे क्यों नहीं मिलते। तो चलो एक्टिविटीज में जाते हैं। ये गो टू एचक्यू आइकन वन, ये देखिए यहाँ पे 10% ड्रिफ्ट है, ड्रैग रेस है, उसके लिए फेमस होना जरूरी है। किल्स, किल्स लिस्ट क्या है भाई, 12 हम ये। फिर रैली रेड है, 36% हो गया है। मोटोक्रॉस भी फुल किया है, ये रैली क्रॉस के लिए फेमस होने की ज़रूरत है। यार डेमोलिशन डर्बी है और एरोबेटिक्स तो कल किया हमने बहुत। डेमोलिशन डर्बी है और जेट स्प्रिंट है, जेट स्प्रिंट के लिए व्हीकल खरीदना पड़ेगा। डेमोलिशन डर्बी के लिए भी व्हीकल खरीदना पड़ेगा, ये हो गया। और यहाँ क्या है भाई, ये टूरिंग कार्स, टूरिंग कार्स है और एयर रेस है जो लागते, और फार्मूला वन जो कि लागते। तो अब सोच रहा हूँ मैं कि डेमोलिशन डर्बी देखूँ, डेमोलिशन डर्बी इतना कोई देखेगा नहीं, तो जेट स्प्रिंट कर सकते हैं या डेमोलिशन डर्बी कर सकते हैं। तो चलो जेट स्प्रिंट क्या है देखते हैं हम जरा। गो टू एचक्यू। डेमोलिशन डर्बी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो इसलिए मैं जेट स्प्रिंट कर रहा हूं। और फिर टूरिंग कार्स बचे, न्यू डिसिप्लिन। ओके स्प्रिंट और डेमोलिशन डर्बी दो चीज अनलॉक हुआ है। ओके तो ये रहा जेट स्प्रिंट की हमारी व्हीकल यहाँ से खरीदने का। ये है भाई, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके। यहाँ ऑप्शंस और चॉइसेस आएंगी जो कि ये क्या है, ये मिल सकती है क्या, क्या हमें मिल सकती है 44 में। ये 76, ये ले सकता हूँ क्या मैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, टॉप स्पीड भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं यार। तो ये प्रोटो हॉर्नेट ले लेते हैं हम, कलर पर्पल लेते हैं। चलो बाय। ये देखो अब रेसेस आएंगी, जेट स्प्रिंट की 3 न्यू एक्टिविटीज खुल गई है जेट स्प्रिंट के लिए। जेट स्प्रिंट, ये जेट स्प्रिंट और उसमें क्या फर्क है भाई। ओहो ये लगता है आसम वाला रहेगा। जेट स्प्रिंट का है हमारी, जेट स्प्रिंट में जाके हम पहला वाला करेंगे हम जेट स्प्रिंट में। ओहो ये वो है, जेट स्प्रिंट बोट्स। They've got no props and they're flat bottomed. So with enough momentum, you can punch right over dry land for a shortcut. And to break records, sometimes you'll need to. 3, 2, 1. Ye challenging hai bhai. Those other racers are all washed up. केव्स में यानी स्पीड में भी जाना है और ठोकना भी नहीं है। कहाँ ठोका था मैंने पिछले टाइम, यहीं कहीं ठोका था। भाई उसको स्पीड तो देखो। You're taking the scenic route. ओ अरे हाँ याद है,
बोट चलाने का इसका सिस्टम है। इतने में पीछे हो गया, बोट के लिए होल्ड करना पड़ता ऊपर। पता नहीं कुछ सम रीजन का जॉयस्टिक ऊपर करना पड़ता है। शॉर्टकट भी मार सकता हूँ लगता है। ओ केव, इससे वही आए क्या हम लोग? हाँ वही आए। तो इस बार हम अकेले टाइम के साथ रेस कर रहे हैं। ओ बाप रे, बीच में मैं श्योर हूं शॉर्टकट होगा। हाँ फिनिश फिनिश। बीट 247। अरे बाप रे कितना लीड मिला मस्त। फेमस होने वाले हम लोग। व्हाट्स लूट यहाँ पे, लूट। चलो इसको, तो ये टाइम ट्रायल जैसा है भाई। परफॉर्मेंस टाइम को बीट करना है हमें, और बिना ठोके या गुफाओं में फंसने से। डेट स्प्रिंट 9%, इतना जल्दी फेमस हो जाएंगे हम लोग इसी में, आज के एपिसोड में फेमस हो जाएंगे। और सम रीजन इसको ऊपर खींच के रखना पड़ता है जॉयस्टिक को स्पीड बढ़ाने के लिए। ये तो लास वेगास लग रहा है यार। They say what happens in Vegas stays in Vegas. But we've got a race coming up there and everyone's gonna know about it. And where we're going, we won't need roads, my friend. Just canals, pools, and a couple of kitchen sinks along the way. Why not? This is a big deal. It's the first time anyone's raced here. A boat race in the middle of the desert. It's a crazy idea, but that's exactly why it works. Next thing you know, they'll be racing planes on the strip. Nah, that would never happen. 3, 2, 1. Let's pool our efforts to make for a great race. इंस्ट्रक्शन तो दो भाई। ये लोग कहीं शॉर्टकट तो नहीं मार रहे? स्पीड ही ज्यादा है इनको ऑलरेडी। By the way, you want to tell me why we're having a boat race in the desert? ये देखो यार कैसे निकल रहा है। ओह नो यार, सात सेकेंड ऑलरेडी पीछे हो गया। दिख भी नहीं रहे हम लोग।
बहुत आगे यार इन लोग तो। ये देखो बीच में स्लो हो जाता है, अपने आप ही स्लो हो जाता है। Now's the time for you to go all in. पिछला टाइम तो मस्त 20 सेकंड से जीते और इस बार सेकंड ट्राई में भी। ओह नो, हाँ फिनिश हो गया। फोर्थ ओके, ये नहीं हो रहा है। फेमस हो गए हम। ये भाई क्या स्पीड है यार तुम लोगों को, क्या तुम्हारी बोट अच्छी है मेरे से, क्या बात है तुम लोगों में। An all new episode in the Live Extreme series popular. Is available now. You've been invited to another Live Extreme race. I'm telling you, being a rising star has its perks. Famous. What are 46 new activities? सब खुल गया, famous हो गया ना। Famous. और ये बोट रेस तो मेरे को साइड में बैठ के खेल के जीतना पड़ेगा मतलब। और इसमें कौन सा है मिला, जेट स्प्रिंट, ठीक है भाई ये देखते हैं। You know the hardest thing about freestyle? Finding people crazy enough to do it. You've got to be like a 7 out of 10 on the crazy scale to even think about doing what we do. Maybe an 8. It's not a scientific scale. ठीक है भाई। 3, 2, 1. Let's go. Oh. Boat. You better check your time. You need to be doing better than this. हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? में जाना है। Whoa. You're pushing that boat to the limit. Of course. बुलबुले हमें आगे हम फिर से। भाई इतना लीड गया यार। कैसा फंसा मैं। दो बार फंसा। मौका है हमारे पास अभी भी। ये बोट बहुत इरिटेटिंग निकलिया। बच गए
वो मिस्टेक्स के बाद और कितना टाइम से जीते होते ब्लू द रूफ ऑफ द क्रेजी स्केल इफ आई कुड गिव यू एन 11 आई वुड ओह हेक आई एम इन चार्ज 11 इट इज 11 इट इज फेमस के बाद स्टार बनने का तो एक हम वेगास की रेस नहीं जीत पाए यार वेगास की रेस नहीं जीत पाए परफॉर्मेंस या हमारी जेट बोट को जेट बोट ही बोलते हैं ना इसे तो अब सब खुल गया है देखो ये रेसेस खुल गई है बहुत सारी आगे की तो अब अरे हार्ली डेविडसन ठीक है रेड रन बहुत सारी चीज़ खुल गई ड्रिफ्ट भी खुल गई होगी और ड्रैग रेस भी कर सकते हैं हम तो बहुत सारा चीज सब खुल चुका है आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ जेट स्प्रिंट आपको मजा आया होगा जेट आज फाइनली मुझे इसमें ऐसा चैलेंज मिला जो मैं नहीं कर पाया ये वाला वाटर रेस ओके इसको मैं शायद कभी बैठ के कर लूँगा तो हुआ मैं तो छोड़ दूंगा क्या नहीं हो रहा है एनीवेज दोस्तों तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड मज़ा आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम देखने के लिए शुक्रिया तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय